और तेरी हस्ती दोनों खत्म। कहा था ना आंसू तुम्हारे और खून अपनों का। तो फाइनली दोस्तों IV-71 और छत्रपति ने धमाकेदार ओपनिंग लेते हुए आज दूसरे दिन में एंट्री मान ली है। तो आज बात करेंगे कि दोनों फिल्में कैसी हैं, पब्लिक की तरफ से कैसे रिव्यू और रिएक्शन मिल रहे हैं, कौन सी फिल्म हिट हो रही है और कौन सी फ्लॉप, कौन सी फिल्म कितनी कमाई कर रही है, मूवी बजट कितना है, स्टार कास्ट कैसी है, क्या वाकई में दोनों फिल्में देखने के लायक हैं, सब बताऊंगा बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी इन दोनों फिल्मों का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तब, और विद्युत जम्वाल और एक्शन फिल्मों के डाई हार्ड फैन है तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करेंगे पहले IV-71 की। जी हाँ दोस्तों, संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में 50 करोड़ के टोटल बजट में बनने वाली फिल्म एक्शन से भरपूर फुल मासी मूवी है, जिसमें एक्शन एंड रियल स्टैंड का बाप विद्युत जम्वाल को लीड रोल में रखा गया है। साथ ही सपोर्टिंग रोल पर निहारिका रायजादा, विशाल जेठवा और अनुपम खेर जैसे दिग्गज स्टार भी आपको देखने को मिलेंगे। बात करें मूवी कैसी है, तो यस फुल ऑफ एक्शन क्राइम थ्रिलर एंड मास सिनेमा से भरपूर IV-71 धमाकेदार रंग बिखेर रही है OTT प्लेटफॉर्म पर, और अपने पहले दिन ही फिल्म का मात्र 1000 से लेकर 1200 स्क्रीन पर ही काम चलाना पड़ा, जो कि विद्युत जम्वाल जैसे नाम के लिए बहुत छोटी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं, विद्युत जम्वाल के नाम सुनते ही कमांडो, कमांडर 2 जैसा एक्शन दिमाग में घूमने लगता है। यस स्किलफुल एक्शन से भरपूर फिल्म को पब्लिक की तरफ से मिक्स रिव्यूज मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अपने पहले दिन में लगभग 2.5 करोड़ की एक बिलो एवरेज कमाई ही कर पाई, जो कि विद्युत जम्वाल जैसे नाम के लिए एक बहुत छोटी रकम है। दोस्तों IV-71 के साथ दो और धमाकेदार फिल्मों को रिलीज करा गया था, और इस टाइम की हाई ट्रेंडिंग मूवी द केरला स्टोरी ने तो पहले ही मैदान में अपनी जीत के झंडे गाड़ रखे हैं। ऐसे में मूवी को काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, साथ ही छत्रपति जैसी फुल मासी मूवी ने भी कमाई बांट ली है। इतने कॉम्पिटिशन के बावजूद विद्युत जम्वाल के ये फिल्म दूसरे दिन एक अच्छा ट्रेंड करने में सफल होते दिख रही है, और अपने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 3 करोड़ से लेकर लगभग 3.5 करोड़ के आसपास करते नजर आ रही है। इसी के साथ पहले दो दिन का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 5.5 करोड़ के ऊपर सेट कर दिया है। वहीं पूरी दुनिया से अपने पहले दो दिन में ही 1 करोड़ का बिग कलेक्शन करके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 6.5 करोड़ तक होल्ड कर लिया है। बात करें स्टोरी लाइन की, तो यस आफ्टर उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, मिशन मजनू, अकबर वाल्टर रोमियो और बेबी जैसी फिल्म के बाद ऐसे छोटे मोटे रियल इंसिडेंट पर फिल्म काफी पसंद करी जाती है इंडिया में, जिसमें रॉ या IB से रिलेटेड इंटेलिजेंसी सर्विस का होल सिनेरियो देखने को मिलता है। जहां दोस्तों IV-71 ऐसा ही किस्सा है, जब पाकिस्तान और चाइना मिलकर एक बड़ा अटैक प्लान करते हैं इंडिया पर, तो ये इन्फॉर्मेशन देव जम्वाल, जो हमारे विद्युत जम्वाल है मेन लीड एक्टर, इस एजेंट के पास पहुंच जाती है। बस फिर पूरी फिल्म इसी अटैक प्लान को फेल करने में निकल जाती है। तो मूवी अमेजिंग है, एक्शन और इंटेलिजेंस की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी आपको। मेरी राय में ऐसी फिल्में देखनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे सीक्रेट एजेंट होते हैं उनकी हीरोइक ग्लोरी देशवासियों को भी पता होनी चाहिए। बात करें दूसरी फिल्म यानी छत्रपति की, तो यस वी विनायक के डायरेक्शन में लगभग 110 करोड़ के टोटल बजट में बनने वाली फिल्म, जिसके मेन लीड में आपको साउथ सुपरस्टार बेलम कोंडा श्रीनिवास देखने को मिलेंगे, और सपोर्टिंग कास्ट में आपको नुसरत बारूचा, शरद केलकर और भाग्यश्री जैसे दिग्गज स्टार भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, शरद केलकर विलेन के रूप में आपको देखने को मिलेंगे, जिन्होंने वाकई दमदार एक्टिंग कर रखी है। दोस्तों पैन इंडिया रेस में अपनी जगह बनाने की गुत्थम गुत्था में मूवी को ऑफिशियल हिंदी लैंग्वेज में रिलीज करा गया है, क्योंकि छत्रपति 2005 में आई प्रभास की सेम नाम की मूवी का ही डिक्टो रीमेक है। दोस्तों बॉलीवुड में रीमेक की इतनी कोई औकात नहीं है, और वो प्रूफ भी दिख रहा है, क्योंकि मूवी ने अपने पहले दिन कोई खास कमाई करते नजर नहीं आई है। मतलब जिस हिसाब का इसका बजट है, उस हिसाब की ओपनिंग नहीं देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, मिक्स रिव्यूज की वजह से और क्रिटिक्स की वजह से मूवी ने जैसे तैसे 800 से 900 स्क्रीन के साथ 2.5 करोड़ का ही आंकड़ा टच कर पाई अपने पहले दिन में, जो कि सेटिस्फाइंग नंबर नहीं है प्रोड्यूसर के लिए और एक साउथ एक्टर के डेब्यूट के लिए बॉलीवुड में। दोस्तों ऑडियंस की तरफ से कोई खास रिव्यू नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से मूवी दूसरे दिन रो धोकर 10% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है, और लगभग 2.70 करोड़ या फिर 80 लाख तक का होल्ड करते नजर आएगी एंड ऑफ द डे। ऐसे में पहले दो दिन का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 5.30 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, और अपने पहले दो दिन का ट्रेंड के मामले में एक फ्लॉप मूवी साबित होते नजर आ रही है। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। अगर आपने भी इन दोनों फिल्मों को देख लिया है, तो आपको दोनों में से बेस्ट मूवी कौन सी लगी? दूसरा, IV-71 और छत्रपति में से ज्यादा कमाई कौन सी फिल्म करने वाली है बॉक्स ऑफिस पर? फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।